सब प्रकृति की माया है। यह पांडा फॉल है, यहाँ जो गुफाएं हैं, मनुवादियों का कहना है कि इधर काफ़ी दिनों से पहले पांडव रहा करती थी, क्योंकि पांडव गुफा इसलिए नाम है पांडव गुफा पड़ा। पांडव फॉल इसलिए क्योंकि यहाँ पांडव भी रहे हैं, साथ में वाटर का जो लेने का पानी यहाँ से ऊपर से गिरता है नीचे, जो जड़ों से ना इसका कोई पता है कि कहाँ से आता है, ये सब प्रकृति की देन है। प्रकृति के तौर पर कहा जाए इसका सबसे ज़्यादा महत्व ये है, मतलब इसका पानी जो नीचे गिरता है कभी भी इसका नीचे इधर का उधर नहीं होता है, पानी वहीं का वहीं वहाँ से गिर ऊपर से गिरता है नीचे, और नीचे ही ससोख लेता है, मतलब उसी के पानी जमीन में ही जाता है। जो पानी यहाँ ना बहाव होता है इसका ज़्यादा, और इसका एक और असंभवित करने वाली बात है कि एक पानी कभी भी बंद नहीं होता, पूरा 12 महीने एकदम चलता रहता है, पूरा पानी गिरता रहेगा। और ये देख सकते हैं इधर वो धारा, जो धारा दिख रही है वो ज़रूर देख सकते हैं कि उसमें पानी थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा बरसात निकलने के बाद, जो गर्मियाँ लग जाती हैं तब पानी थोड़ा कम होने की संभावना रहती है, बाकी अगर अच्छा पानी गिरेगा तो बंद होने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। और ये कुंड देख रहे हैं, ये कुंड काफ़ी है गहरा है, इसकी हाइट समथिंग होगी 40 फीट ऐसा यहाँ के जो गाइड होते हैं वो बताते हैं, कि मतलब इसका लगभग 40 फीट ही इसकी गहराई है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ये प्रतिबंधित एरिया है तो मछलियों का सबसे ज़्यादा यहाँ भंडार हुआ है। और इसमें ऊपर से देखा जाए, अगर यहाँ जो जहाँ से फॉल हो रहा है वहाँ से देखा जाए तो वहाँ से देखेंगे तो जो कुंड है इसका जो सेफ है वो हार्ट जैसा सेफ होगा। और साथ में ये देख सकते हैं आप इधर कि इधर जो पानी गिरेगा जो कितना स्वच्छ पानी है, एकदम स्वच्छ पानी ये पेड़ों की जड़ों से निकलता है और पत्थर से पानी निकलता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में हम जो कैद कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं आराम से, बहुत ही सुहावना मौसम। और सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में ही कि इसमें सबसे ज़्यादा पानी और ज़्यादा गिरने लगता है, तो ये तो 12 महीने ऐसे ही गिरते रहतेगा। और जो यहाँ की चट्टानें हैं वो काफ़ी शीतल टाइप की होंगी, यहाँ ऐसा फील होता है जैसे मान के चलो कोई वातानुकूलित स्थान पर बैठे हुए हैं, एसी वगैरह कोई ऐसा महसूस होगा। तो आप ये देख सकते हैं इधर टूरिज्म टूरिस्टों के लिए, जो टूरिस्ट होते हैं उनके ठहरने के लिए अगर पानी वगैरह गिरेगा तो यहाँ आराम से ठहर सकते हैं, इधर पानी नहीं आएगा और वो भीगने से बच जाएंगे। बाकी ये तो काफ़ी जर्जर हो चुका है, इसमें तो पानी अंदर सीलिंग होगी, तो यहाँ बैठने के लिए ज़्यादा उत्तम माना जाता है। मेरे द्वारा दी इस जानकारी में मैं इतना ही बता सकता हूँ, और भी ज़रूरी बातें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ पुष्पेंद्र, ब्लॉगर के नाम से मेरा चैनल है, और मैं हमेशा ऐसे ही चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को हासिल कर सकें, जो यहाँ की जो प्रकृति है उसका लाभ उठा सकें। कभी भी आप आइए, घूम जाइए, बढ़िया अच्छा महसूस होगा, और प्रकृति का जो सौंदर्य है वो आपको वास्तव में देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं सभी से हृदय अभिनंदन करता हूँ इसमें, और साथ में यहाँ का जो नज़ारा है बाकी अच्छा है, और साथ में लाभ ले सकते हैं यहाँ प्रकृति के नज़ारे का। धन्यवाद।